नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रेडियो पर। मैं अभिनव, आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2018 ऑल शिफ्ट क्वेश्चंस ऑफ 5th of October 2018, जहां हम जीके जीएस और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कोशिश करेंगे कि तकरीबन अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को यहां पर हम डील करें। तो ऐसे में ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आज के शिफ्ट का पूछा गया था वह था कि अरेंज करना था यहाँ पर सभी को अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड्स, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स के आधार पे इन सभी को अरेंज करना था, यानी अल्केन, अल्काइन और अल्किन को। तो ये सबसे पहले नंबर पर होगा अल्केन, जिसमें कि सिंगल बॉन्ड होता है। इसके बाद बात करते हैं अल्किन की, जिसमें डबल बॉन्ड, और अगले बात करते हैं अल्काइन की, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि लाइटेस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा वहाँ पे, हाइड्रोजन। इसके बाद बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डेंसिटी के हिसाब से, हालांकि ये पूछा नहीं गया था लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि डेंसिटी के आधार पर कौन है, तो लिथियम है। उसके बाद ब्लड जो है वह किस प्रकार का एक टिश्यू है, तो यह एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, यानी ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अलावा और क्या पाया जाता है, तो यह प्लेटलेट्स पाया जाता है ब्लड में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल में हैलोजन जो है वह किस ग्रुप से है, तो यह 17th ग्रुप में पाया जाता है हैलोजन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो अगला सवाल पूछा गया था कि गौतम बुद्ध की मदर का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध की मदर का नाम माया था, ठीक है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो यह है ओम प्रकाश रावत। इसके बाद आगे बात करते हैं, तो नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म इन 2018 किसे दिया गया है, तो ये मोरख्या नामक एक मराठी मूवी है, ठीक है। इस फिल्म को जो है यह बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म 2018 का नेशनल अवार्ड दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं पर्सनालिटी ऑफ द ईयर आईफा 2017 में यह किसे दिया गया, तो यह अमिताभ बच्चन को दिया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो अगला सवाल आज के शिफ्ट का वहाँ पर पूछा गया था, बताया कि सरस्वती सम्मान अवार्ड 2016, ठीक है, यह किन्हें दिया गया है, तो यह महाबलेश्वर सैल जी को दिया गया है। आगे चलते हैं, यदि आपसे ये भी एक क्वेश्चन था कि लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन हमारे शरीर का, तो स्किन है, और यदि इंटरनल ऑर्गन पूछा जाए हमारे शरीर का, तो लिवर है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो अगला सवाल पूछा गया था, बता कि SI यूनिट पूछा गया था वहाँ पे वोल्टेज का जो होता है वोल्ट, और लास्ट एलिमेंट पूछा गया था पीरियोडिक टेबल में जो कि नेचुरली फाउंडेड हो, ठीक है, जो कि प्राकृतिक के द्वारा खोजा गया हो, तो यह है यूरेनियम, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके बाद जो एक यहाँ पर एस्टिमेट मिला था कि तकरीबन तीन से चार क्वेश्चन जो थे वह न्यूटन्स के सेकेंड और थर्ड लॉ पे बेस्ड थे, तो ऐसे में आने वाली शिफ्ट के लिए ये जो मतलब बेसिकली इस पर जो है मतलब पूछा गया था न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ऐसे में आने वाली शिफ्ट के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया से यहाँ पर क्वेश्चन था कि इसको सुधार के लिए कौन सा लेंस का हम लोग यूज़ करते हैं, तो यह है कन्वेक्स लेंस। इसके बाद बात करते हैं जो बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर का अवार्ड था फिल्म फेयर 2017 में, यह किन्हें दिया गया था, तो यह नेहा भसीन जी को दिया गया था। बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है, यह किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह राजराजा चोल प्रथम के द्वारा यह बनाया गया था। आगे बात करते हैं, तो जो अगला सवाल था यहाँ पर बता कि विच इंडियन रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज, किस भारतीय को सबसे पहले नोबेल प्राइज दिया गया था, तो यह रविंद्रनाथ टैगोर है। इसके बाद क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है, तो यह कपिल देव साहब की किताब है, ठीक है, क्रिकेट माई स्टाइल। आगे चलते हैं, यहाँ पर ब्लैक रॉक डेजर्ट, ठीक है, यह किस देश में पाया जाता है, ये सवाल पूछा गया था, तो यह US में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स। इसके बाद असम का कैपिटल, तो यह दिशपुर है। इसके बाद एक और सवाल था कि तेलंगाना के गवर्नर कौन है, तो यह के नरसिम्हम है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि CM ऑफ नागालैंड, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछा गया था, जो है निफियाउ रियो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, तो वॉर एंड पीस के लेखक कौन है, तो यह लियो टॉलस्टॉय। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, तो यह सत्या नाडेला साहब हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, आगे जो क्वेश्चंस थे वह था कि बेस्ट एक्टर इन आईफा 2017 में किन्हें दिया गया था, तो यह शाहिद कपूर को दिया गया था। GST के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो यह अमिताभ बच्चन है, कई दफ़ा रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, यहाँ पर CEO
है ना, फ्लिपकार्ट के सीईओ के बारे में पूछा गया है, तो यह कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मिला था, यह था कि एक्चुअली विनर ऑफ फ्रेंच ओपन 2018, तो विनर में तो कई सारे लिस्ट आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको मेन सिंगल के विनर और वुमेन सिंगल के विनर दोनों हमने आपको बता दिया है। तो मेन सिंगल के जो विनर है वह है राफेल नडाल, और जो वुमेन सिंगल के विनर हैं वह है सिमोना हेलेप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको दोनों ही के दोनों बता दिए हैं, तो आने वाले शिफ्ट में हो सकता है इसमें से भी एक आध सवाल और बन सके। ठीक है, जो अगला सवाल था बताइए कैल्शियम ऑक्साइड जो और किस नाम से जाना जाता है, तो या क्विक लाइम या फिर बर्ट लाइम के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और था कि स्लेक लाइम का केमिकल नेम क्या है, तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग CaOH का होल 2 है ना। इसके बाद बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन था वह था कि हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे। ठीक है, तो वह होंगे बिहार के राज्यपाल थे। आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288। ठीक है, यह किसका किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो 18 एटॉमिक नंबर यानी कि आर्गन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एटॉमिक मास पूछा गया था वहाँ पर क्लोरीन का, तो चूंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो उस हिसाब से इसका एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेट 35.5 के आएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो पूछा गया था कि एटॉमिक नंबर 14 जो है वह किस दो एलिमेंट के बीच में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, क्योंकि इसके बाद एल्यूमिनियम है, इसके बाद सिलिकन है एंड देन फॉस्फोरस है, तो 14th जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन से पहले एल्युमिनियम और उसके बाद फॉस्फोरस। ठीक है, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन था पता कि ऐसा यूनिट पूछा गया था ओम जो है वह किसका ऐसा यूनिट है, तो यह रेसिस्टेंस का है। तो ऐसे में बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आए होगा, पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को हर नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।